सो गाइस, सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे पॉलिश बनाने के लिए कौन कौन सामान का जरूरत पड़ेगा। अगर आप ये पॉलिश को अपना साइकिल में यूज़ करते हैं तो आपका साइकिल में कभी भी जंग नहीं लगेगा। सो गाइस, क्या आप अपना साइकिल को न्यू जैसा चमकाना चाहते हैं और जीरो इन्वेस्ट में आप अपने घर में ही साइकिल पॉलिश बनाना चाहते हैं जो कि आपका पैसा भी बचेगा और बहुत ही इजी है, आसान है ये पॉलिश को बनाना। सबसे पहले हम आप लोग से बताना चाहेंगे, जैसा कि ये साइकिल आप देख पा रहे हैं तो ये साइकिल जो है हमारा जो है गंदा हो चुका है, तो इसे हम वॉश नहीं किए हैं। विदाउट वॉश का इसमें जो हम पॉलिश करेंगे, उसके बाद जो है एक और साइकिल है हमारे पास, उसमें भी हम जो है विदाउट वॉश का पॉलिश करेंगे। तो दोनों का ग्लेजिंग आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे और कैसे साइकिल पॉलिश करना है और कैसे साइकिल पॉलिश बनाना है, वो भी जीरो इन्वेस्ट में आप अपने घर में ही बना सकते हैं और आपका साइकिल में रस्ट कभी भी नहीं लगेगा। तो चलिए, आप लोग का ज्यादा समय ना वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे पॉलिश बनाने के लिए कौन कौन सामान का जरूरत पड़ेगा। तो आपको जो है एक फॉर्म का जरूरत पड़ेगा, एक आपको इंजन का जो ऑयल होता है वो ऑयल का जरूरत पड़ेगा जो कि न्यू होना चाहिए, और आपको घासलेट ऑयल का जरूरत पड़ेगा, एक आपको सीजर का जरूरत पड़ेगा, एक आपको सूखा कपड़ा का जरूरत पड़ेगा। एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहेंगे, अगर आपके पास देसी 22 इंच का साइकिल हो या फिर 20 इंच का साइकिल हो या फिर MTB में कोई भी रेंजर साइकिल हो, सभी में आप जो है ये पॉलिश को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको बताना चाहेंगे, ये जैसा कि फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये साइकिल का सीट कवर का फॉर्म है गाइस। सीट कवर जब फट जाता है तो अंदर में फॉर्म निकलता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना है, जहाँ सोफा वोफा बनता है, कोई भी शॉप में जाएँ जहाँ सोफा बनता है, वहाँ पर ही आपको कटा हुआ फॉर्म मिल जाएगा, आप ले आकर के आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि हम आपको ऑयल बताएंगे गाइस, तो ऑयल जो है एकदम न्यू होना चाहिए, बाइक का इंजन का ऑयल होगा जो कि न्यू होना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, तो देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं एकदम न्यू ऑयल है, ठीक है, कोई भी कंपनी का न्यू ऑयल होना चाहिए। आपको क्या करना है, कैंची लेने के बाद इसको जो है थोड़ा सा आपको एक टुकड़ा भर कट कर लेना है, तो आपको जो है इतना कट कर लेना है। आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं, इस तरीका से आपको जो है कट कर लेना है थोड़ा सा। कट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो है जो इंजन का ऑयल है, ये ऑयल को इसमें आपको बढ़िया से ये करना है, भिंगाना है, ठीक है। तो ये देखिए, हम जिस हिसाब से दे रहे हैं उसी हिसाब से आपको देना है, ठीक है। इंजन का ऑयल देने के बाद आपको क्या करना है, बढ़िया से ये फॉर्म जो है सोख लेगा, ठीक है। तो इस तरीका से देखिए, एकदम फॉर्म जो है ऑयल को सोख लिया है, तो और थोड़ा सा हम दे देते हैं। तो ये देखिए, हम दे दिए बढ़िया से। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीका का थोड़ा सा आपको घासलेट ऑयल ले लेना है। घासलेट ऑयल लेने के बाद इस तरीका से आपको थोड़ा सा मिक्स कर देना है, ठीक है गाइस। तो इस तरीका से अगर आप मिक्स कर देते हैं तो ये जो है गाइस आपका पॉलिश बन गया, ठीक है। और ये पॉलिश को अगर आप यूज़ करते हैं अपना साइकिल में तो आपका साइकिल का लाइटिंग भी बरकरार रहेगा, लाइटिंग आ जाएगा एकदम न्यू जैसा, और जहाँ पर नट बोल्ट वगैरह रहेगा उस सब जगह में भी आप यूज़ कीजिएगा, तो इसमें आपको जो है रस्ट नहीं लगेगा। तो चलिए, अब हम आप लोग को दिखाते हैं यूज़ करके। सो गाइस, सूखा कपड़ा जो आप लिए थे, तो अगर आप अपना साइकिल को वॉश कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप वॉश नहीं करते हैं तो सूखा कपड़ा ले करके आपको ऐसा जगह में जो है सूखा कपड़ा को यूज़ करना है जहाँ पर ही जो है आपका साइकिल में स्केच ना लगे, ठीक है, अगर आपका न्यू साइकिल है। तो इस तरीके से आपको फ्रेश कर लेना है, जैसा कि देखे हम थोड़ा सा फ्रेश कर लिए हैं। उसके बाद गाइस, अब हम आप लोग को यहाँ पर जो है पॉलिश करके दिखाते हैं। हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो साइकिल रिलेटेड में नॉलेजफुल वीडियो हमेशा देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं हम पॉलिश वाला जो है ले लिए हैं फॉर्म, तो उसके बाद जो हम पॉलिश करते हैं, तो देखिए हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसा कि देख पा रहे गाइस, तो पॉलिश करने के बाद देखिए ग्लेजिंग कैसा आ रहा है, जैसा कि देख पा रहे एकदम न्यू जैसा जो है मेडगार्ड हो चुका है गाइस। तो देखिए, इसमें जो दागी वगैरह था वो दागी वगैरह भी हट गया, जो कि कल तक डस्ट वगैरह जो बैठा हुआ था, कोई भी छीटा वगैरह पानी उनी का, वो भी क्लियर हो गया। और पॉलिश करने के बाद कितना ज़्यादा बेहतरीन लुक आ गया गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं। अगर आप साइकिल को वॉश कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो वॉश करने के बाद आप पॉलिश करें ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से पॉलिश कर लेना है। पॉलिश करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, जो फ्रेश कपड़ा आप लिए थे सूखा कपड़ा, उसे आपको क्या करना है, हल्का हल्का इस तरीके से फ्रेश कर देना है एकदम। इसमें क्या होगा कि आपका डस्ट वगैरह लगेगा तो आसानी से वो रिमूव हो जाएगा। जैसा कि गाइस मेडगार्ड का आप ग्लेजिंग देख पा रहे हैं, कितना एकदम बेहतरीन एकदम न्यू जैसा लग रहा है। तो इसी तरीका से आपको जो है कर लेना। आप चलिए, हम अदर जगह में आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा कचड़ा लगा हुआ है गाइस, ठीक है, मिट्टी लगा हुआ है। तो इसे आपको क्या करना, सूखा कपड़ा लेकर हल्का सा इस तरीके से आपको जो फ्रेश करना है, यानी दबाना नहीं है आपको, हल्का हल्का इस तरीके से आपको फ्रेश करना है, ठीक है। दबाएंगे तो आपको स्क्रैच लगेगा, तो जिस तरीके से हम आप लोग को बताएं इस तरीके से आपको कर लेना है, विदाउट वॉश का हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है बता रहे हैं, करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से जो पॉलिश ले लेना है। पॉलिश लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से पॉलिश करना है, ठीक है गाइस। आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, थोड़ा सा इसमें लग गया है,
तो इसे हम क्लियर कर देते हैं, हो गया। उसके बाद जो हम पॉलिश कर रहे हैं, जैसा कि गाइस देखें हम पॉलिश किए, पॉलिश करने के बाद आपको जो सूखा कपड़ा लिए थे, एक आपको दूसरा फ्रेश कपड़ा ले लेना है। हम आप लोग को दिखाने बताने के लिए वही कपड़ा से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें हम जो हम अपना हिसाब से कर रहे हैं, इसमें दागी हम नहीं आने देंगे फ्रेम में। तो आप लोग को फिर दिखाते हैं फ्रेश कपड़ा से ई करने के बाद। देखिए फ्रेश कपड़ा में जब हम साफ कर लेंगे गाइस, साफ करने के बाद हम आपको नज़दीकी से थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करते हैं बढ़िया से। जैसा कि गाइस देख पा रहे हैं, तो देखिए हम कितना बढ़िया से एकदम जो पॉलिश कर दिए, फ्रेश हो गया हमारा, और देखने वाइज लुक वाइज भी कितना ज़्यादा एकदम ग्लेजिंग आ गया, एकदम न्यू जैसा लाइट करने लगा साइकिल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें देखिए हम क्रैंक में भी कर दिए हैं, तो क्रैंक में भी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है गाइस आपको कर लेना है। अब चलिए हम जो दूसरा साइकिल में भी पॉलिश करते हैं और इसमें भी पूरा पॉलिश कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। तो गाइस ये साइकिल को हम बढ़िया से जो है सूखा कपड़ा से पहले फ्रेश कर दिए हैं, जैसा कि आप देखें। अब चलिए ये साइकिल को फ्रेश कर लेते हैं। पॉलिश वाला फॉर्म आपको ले लेना है, लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से पॉलिश करते हुए चले जाना है। तो देखिए हम जैसा कि पॉलिश कर रहे हैं और लाइट आप देख पा रहे हैं साइकिल का, कितना बढ़िया से एकदम जो ग्लेजिंग आ रहा है साइकिल में। तो इस तरीके से आपको जो पॉलिश करते हुए चले जाना है। चलिए हम फटाफट जो पूरा साइकिल को पॉलिश कर लेते हैं, फिर आप लोग को आगे दिखाते हैं। सो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं पॉलिश करने के बाद कितना ज़्यादा एकदम नया जैसा लुक आ रहा है साइकिल में। तो पूरा साइकिल को जो है हम एकदम बढ़िया से पॉलिश कर लिए हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, और एकदम नया जैसा लुक आ गया है साइकिल में। और पुराना वाला साइकिल को भी हम दिखाते हैं, तो पुराना वाला साइकिल भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा एकदम बेहतरीन ग्लेजिंग आ गया है, लाइट आ गया है एकदम, करने के बाद ग्लेजिंग दिखा रहे हैं एकदम, कितना ज़्यादा एकदम शाइन आ गया है कलर में, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको जो है कर लेना है, जैसा कि हम आपको दिखाएं और बताएं। इसमें जैसा कि गाइस हम आपको बताएं कि रस्ट कभी भी नहीं लगेगा, जी हाँ गाइस, क्योंकि ऑयल का मात्रा आ चुका है और इसमें आपका रस्ट नहीं लगेगा। और जैसा कि गाइस हम आपको स्टील का बताए थे गाइस, स्टील का पार्ट्स अगर रहेगा तो रस्ट नहीं लगेगा। जैसा कि गाइस ये साइकिल का नट आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आप जो है ऑयल का जो, इसमें अगर आप ऑयल पॉलिश करते हैं तो आपका रस्ट नहीं लगेगा। अगर आपका पानी में भी साइकिल भींगता है या फिर आप पानी में वॉश करते हैं तो इसमें भी आपका रस्ट नहीं लगेगा। और ये जैसा कि आप नट देख पा रहे हैं, इसमें भी अगर आप मतलब पानी लगाते हैं तो इसमें भी आपका रस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आपका जो है ऑयल पॉलिश रहेगा इसके वजह से। और जहाँ जहाँ आपका जो है स्टील का पार्ट्स रहेगा, निकिल पार्ट्स रहेगा, नट बोल्ट हो गया या अदर कोई भी जगह का, तो उसमें जो है आपको रस्ट नहीं लगेगा। जैसा कि गाइस हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, जैसा कि ये आप न्यू साइकिल का नेपल देख पा रहे हैं गाइस, जैसा कि गाइस ये न्यू साइकिल का आप नेप्पल देख पा रहे हैं, स्पोक नेप्पल, इस चीज़ का नाम नेप्पल है गाइस। इसमें देखिए गाइस रस्ट लग चुका है, कहीं किसी किसी में लगा है, किसी किसी में नहीं लगा। तो इसका मेन रीज़न यही है इसकी साइकिल वॉश करने के बाद अगर अच्छे से आप निप्पल को जो है ऑयल का ऑयल पॉलिश कर देते हैं तो आपका जो है इसमें रस्ट नहीं लगेगा। तो इस तरीका से गाइस आपको कर लेना है, इस तरीका का आपका जीरो इन्वेस्ट में जो है साइकिल पॉलिश बन जाएगा। करता हूँ गाइस मैं आप लोग को अच्छे से बता दिया, अगर चैनल में न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।